धरती माँ ट्रस्ट की ओर से आप सभी को सादर नमस्कार। यह आप स्ट्रॉबेरी देख रहे हैं, एक छोटे से कनिस्टर में लगी हुई है और इसके साथ साथ ये जो बेल गई हुई है, ये खीरे की बेल गई है और इसके ऊपर छत में जाने के बाद इसमें खीरा लगा हुआ, जो अभी मैं आपको दिखाऊंगा। इससे कि पहले मैं आपको ये छोटे से कनिस्टर में ये टमाटर लगे हुए दिखाता हूँ। इसका बड़ा रूप भी जो छत में लगाया गया है टेरिस पर, ये आप देख सकते हैं, सारा वेस्ट मटेरियल पे लगे हुए हैं। ये छोटे से डब्बे में आप देख सकते हैं जिस तरीके से, ये आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये लौकी है, ये लौकी के उसमें तरीके से ये एलोवेरा लगा हुआ है, ये एलोवेरा देख सकते हैं आप। ये नैनीताल का खूबसूरत गांव ससबनी, इतनी खूबसूरत अभी और प्यारी जो यहाँ का मौसम है, यहाँ का इतना अच्छा मौसम है, सुबह सुबह बारिश हो जाती है और इसके बाद से थोड़ी देर के बाद धूप खिल जाती है। पिछले 4 दिनों से लगातार इस तरीके से बारिश हो रही है यहाँ पर। ये वो बेल है जो नीचे से आई हुई है, इसमें आप प्रामाणिकता के तौर पर आप देख सकते हैं ये खीरा लगा हुआ है। ये वो बेल है जो छत पर आई हुई है। ये जो इतने खूबसूरत टमाटर लगे हुए हैं, ये जैविक टमाटर लगे हुए हैं और इस बोरियों में लगे हैं, ये आप देख सकते हैं, ये सीमेंट की और आटे की बोरियों में लगे हैं। इतने सुंदर टमाटर, एक एक पौधे पे 50-50 टमाटर लगे हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। ये इतने खूबसूरत पौधे लगे हुए हैं, ये टमाटर आप देखें, ये देख सकते हैं, इतना सुंदर। अगर कार्य हम अगर कर सकते हैं, इतना खूबसूरत जो हमें टमाटरों की ज़रूरत होती है, ये आप देख सकते हैं इसके अंदर। ये 15 बोरियों में टमाटर लगे हुए हैं, इतने खूबसूरत। अगर आप चाहें तो अपने छत पे, अपने बालकनीज में इस तरीके से बोरियों में बहुत कुछ लगा सकते हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए स्वच्छ भारत निर्माण के अंतर्गत एक इनिशिएटिव कदम और इसके साथ साथ स्वस्थ जीवन के लिए भी एक बहुत ही खूबसूरत निराले अंदाज में ये कार्य किया गया है। सो आइए हम भी एक कोशिश करें। इतने अच्छे वेस्ट मटेरियल डब्बों में ये लगे हुए हैं, ये खूबसूरत सा एक पेड़ यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं सामने बापू को समझ पाती है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।